Let's turn to some good news. There's always good news in this wonderful country called India. It comes from Delhi's Vasant Kunj, where Dr. Harsh Kumar is running an old age home called the Second Innings for the last 12 years. Elderly people who've been left alone in the last leg of their lives share a common roof here. Here's his story. Real-life Second Innings house in Lage Raho Munna Bhai. In real life, there is a similar initiative in Delhi's Vasant Kunj. Second Innings, a shelter for senior citizens, is a brainchild of Dr. Harsh Kumar. For the last 10 years, Dr. Kumar has been taking care of elders left alone in the last phase of their lives. 80 years old, road pe pade hain. और रात बहुत ज़्यादा ठंड थी उस टाइम में, दिसंबर का महीना था. उनको देख के लगा कि नहीं यार, अगर कुछ करना है तो पेरेंट्स के लिए करना चाहिए. और वो एक वाक्य था जिसने मेरी ज़िंदगी को ही बदल के रख दिया. सीनियर सिटीजन्स हु लिव हियर हैव कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, फ्रॉम रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स टू जजेस टू डॉक्टर्स. सेकेंड इनिंग्स इज होम टू मैनी. दिल्ली के मेरी फैमिली ने, मेरी बेटी, मेरे दामाद और मेरे भाई ने दिल्ली के मेरे ख्याल से 12-14 ओल्ड एज होम देखे होंगे. बीमार आया था, अब आपके सामने सही सलामत हूँ. डॉक्टर कुमार यूज्ड टू वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, बट एन इंसिडेंट चेंज्ड हिज होल आउटलुक टू लाइफ. प्राउड फील करता हूँ कि वो जिंदगी से कहीं बेहतर जिंदगी जी रहा हूँ, कि एक घर में इतने सारे लोग जहाँ पे आईएएस भी हैं. एक फैमिली में कोई आईएएस बन जाता तो बड़ा लगता है कि मेरी फैमिली में आईएएस हैं, पर मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान हूँ कि मेरी फैमिली में आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, जस्टिस ऑफिसर भी हैं और आर्मी से भी लोग हैं. सेकंड इनिंग हैज हेल्प्ड मोर देन 12,000 पीपल सो फार, एंड टुडे डॉक्टर कुमार रन्स 3 मोर ओल्ड एज होम्स अक्रॉस द कैपिटल. विद तनुश्री पुरंदरे इन दिल्ली, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टुडे. Nice story.